हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। और टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हर्बेरियम, या हर्बेरियम बनाने की विधि के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था लेबलिंग ऑफ हर्बेरियम, मतलब किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाता है, हर्बेरियम में प्रतिरूपों का नामकरण या हर्बेरियम शीट पर किस प्रकार से हम लोग उसके बारे में डिटेल देंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं पादप संग्रहालय में हर्बेरियम शीटों का रख रखाव। फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट्स, फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट या पादप संग्रहालय में हर्बेरियम सीटों का रख रखाव। पादप संग्रहालय में हर्बेरियम सीटों का रख रखाव, ठीक है, या फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम शीट। अब देखो स्टूडेंट, वी नो दैट कि जो हर्बेरियम्स होते हैं इनके द्वारा हमें बहुत अधिक मात्रा में पादप के बारे में उनकी क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, ठीक है, उसके आकारिकी के बारे में हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रूप से या सही तरीके से रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन्हें सही तरीके से इनका रख रखाव नहीं करेंगे तो ये जल्दी ही क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिससे हमें पादप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल नहीं होंगी। इतना क्लियर है? तो हर्बेरियम सीट पर अच्छी तरीके से अगर हम फाइलिंग की डेफिनेशन की बात करें तो फाइलिंग की जो डेफिनेशन होगी वो होगी इस तरीके से, हर्बेरियम सीट पर अच्छे तरीके से जो पादप के प्रतिरूप है उनको चिपकाने के बाद उन्हें एक फाइल के रूप में सही तरीके से व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं, फाइलिंग। ठीक है, मतलब एक मान्यता प्राप्त वर्गीकरण के अनुसार उनकी क्या करना, उन्हें व्यवस्थित ढंग से सेट करना ही क्या कहलाता है, फाइलिंग कहलाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि फाइलिंग क्यों आवश्यक है और किस प्रकार से इसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। तो एक ही जो फाइलिंग की जाती है एक ही प्रजाति के सभी पादप प्रतिरूपों को, एक ही प्रजाति के सभी पादप प्रतिरूपों को एक मोटे कागज या वुड के बने हुए फोल्डर में क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, मोटे कागज के फोल्डर में क्या करते हैं, रखते हैं, मोटे कागज के फोल्डर में क्या करते हैं भाई, उनको रखते हैं, जिससे ये लंबे समय तक क्या किए जा सके, सुरक्षित रखे जा सके। इतना क्लियर है भाई? एक ही प्रजाति के सभी पादप प्रतिरूपों की शीट तो अलग अलग बनेगी, ठीक है, लेकिन उन सभी सीटों को एक साथ एक मोटे कागज के फोल्डर में रखने का जो रीजन है वो क्या है, जिससे हमें सभी पादप के जो प्रतिरूप हैं एक ही पादप से प्राप्त वो एक ही स्थान पर इजीली हम लोगों को क्या हो जाए, मिल जाए, और उस पादप के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था की जाती है विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों के अनुसार की जाती है। किसके अनुसार की जाएगी भाई, विभिन्न प्रकार की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार। जैसे अगर हम बात करें भारत और इंग्लैंड में, किसमें भाई, भारत व इंग्लैंड में जो ये फाइलिंग की जो प्रोसेस होती है वो बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति के अनुसार की जाती है। किसके अनुसार, बेंथम हुकर, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, भारत व इंग्लैंड में इनकी फाइलिंग जो की जाएगी वो किसके अनुसार की जाती है, बेंथम हुकर
वर्गीकरण पद्धति के अनुसार, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वर्गीकरण के अनुसार लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें अन्य कंट्रीज की या अदर कंट्रीज की, तो जैसे अमेरिका में बैसे वर्गीकरण के अनुसार, किसके अनुसार? बैसे वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है, बैसे वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। अमेरिका में बैसे वर्गीकरण के अनुसार, जबकि अगर हम बात करें यूरोपीय देशों में की जाती है एंगुलर प्रिंटले वर्गीकरण के अनुसार। एंगुलर प्रिंटले का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो एंगुलर प्रिंटले वर्गीकरण के अनुसार पादप प्रतिरूपों की क्या की जाती है? फाइलिंग की जाती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हर्बेरियम सीटों के रख रखाव की, तो हर्बेरियम सीटों का जो रख रखाव होता है वो आवश्यक होता है, रीजन हम लोग जानते हैं, इन्हें लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हर्बेरियम शीटों को हम लोगों ने कल बता दिया था संग्रह में, तो हर्बेरियम शीटों को वुड के बॉक्स में या फिर जो अलमारी होती है उनमें क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें समय समय पर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए, जिससे इनके ऊपर कोई बैक्टीरिया जर्म्स नहीं लगे। फंगिसाइड, कवकनाशियों का और पेस्टिसाइड, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कीटनाशी हैं, इनका क्या करना चाहिए? छिड़काव करना चाहिए, जिससे इनके ऊपर कोई भी कवक वगैरह ना लगे और ये लंबे समय तक क्या हो सके? सुरक्षित रखे जा सके। क्लियर है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें हर्बेरियम सीट को बचाने के लिए, इनके ऊपर मुख्य रूप से कीट प्रतिरक्षी का क्या किया जाता है? छिड़काव। जो खांचे बने हुए होते हैं उनमें क्या किया जाता है? कीट प्रतिरक्षियों का छिड़काव। और कीट प्रतिरक्षियों के छिड़काव में मुख्य रूप से किया जाता है डीडीटी। किसका छिड़काव करते हैं भाई? डीडीटी, नेफ्थलीन आदि का। डीडीटी, ठीक है, नेफ्थलीन आदि का क्या करना चाहिए? छिड़काव। रीजन क्या है? क्योंकि अगर इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के कीट लग जाएंगे तो वो इन्हें क्या कर देंगे? क्षतिग्रस्त कर देंगे। इसलिए इनके ऊपर डीडीटी और नेफ्थलीन का क्या करना चाहिए? टाइम टाइम पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि इन्हें लॉन्ग टाइम तक क्या किया जा सके? प्रिजर्व किया जा सके। क्लियर है। और एक वर्ष में एक बार सभी शीट को बंद कमरे में रखकर कार्बन डाइसल्फाइड से क्या करना चाहिए? उन्हें धूमित करना चाहिए, मतलब फ्यूमिगेट्स के द्वारा। फ्यूमिगेट्स कौन सा यूज होता है? कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड ये क्या है? एक फ्यूमिगेंट है, या धूमित। इन्हें क्या कहना चाहिए? कार्बन डाई सल्फाइड को एक बंद कमरे में क्या करके रखकर, और इन सब उस बंद कमरे में क्या कर देना चाहिए? इन सभी जो पादप प्रतिरूप हैं उनको रख देना चाहिए, जिससे इनके ऊपर कोई भी बैक्टीरिया जर्म्स लगाओ वो क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से पादप संग्रहालय में इनका क्या किया जाता है? हर्बेरियम सीटों का रख रखाव किया जाता है। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा फाइलिंग ऑफ हर्बेरियम सीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम, सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम से मतलब है जो हर्बेरियम है उसके महत्व। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई हर्बेरियम का क्या रोल होगा। तो वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, हर्बेरियम के द्वारा हमें किसी भी पादप के बारे में उसकी क्या प्राप्त हो सकती है? विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका महत्व है कि इसके द्वारा
किसी भी पादप प्रतिरूप के बारे में, पादपों के बारे में क्या मिल सकती है? महत्वपूर्ण जानकारी। महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सकती है? प्राप्त हो सकती है। ये तो क्या था इसका, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। इसके साथ साथ पादप के आकार की और शारीरिकी के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, किसके द्वारा? हर्बेरियम शीट के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ साथ पादप के आवास के बारे में, पादप के आवास व आकारिकी के बारे में, आकारिकी के बारे में क्या कह सकता है? पता लगाया जा सकता है, ठीक है। कैसे भाई? सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बात तो हम लोग सभी चीज़ें जो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है वो हर्बेरियम सीट पर लेबल्ड करते हैं। इसके अलावा भी पादप के जो कैरेक्टर्स हैं उसको देख के, जैसे कोई सक्यूलेंट प्लांट है तो सिंपल सिंपल सी बात है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन का होगा, तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? आवास के बारे में पता लगा सकते हैं, और उसके आकारिकी के बारे में भी क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। इसके अलावा इनके, इन पादपों के द्वारा ही उसके आसपास के जो वेजिटेशन है उनके बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हर्बेरियम। क्लियर है?